हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है पीएनएस में शिवम सिंह के साथ। और मेरा जो टर्म्स आज का है, आज की जो वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिसाइड करा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो ये डिस्कशन किया था वो ये था कि हम लोगों ने सारा फंडामेंट्स ग्रीन बटन पे किया था, सारी चीज़ों को ग्रीन बटन से रिकॉग्नाइज करा था। बट अभी हम जो काम करेंगे वो रेड बटन से करेंगे। जिस तरह से मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि आज आप लोग सारे काम ग्रीन बटन से करोगे, नेक्स्ट क्लास में सारे काम रेड बटन से करेंगे। बेटा आते हैं, सेम प्रोसेस पे आते हैं, सेम फंडामेंट्स पे आते हैं, सेम प्रोसेसर पे आते हैं। और जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हमारे पास दो सिंबल मिल रहे थे, एक सिंबल ये और एक सिंबल ये दो सिंबल्स हम देखते थे तो दो ग्रुप्स हमारे डिवाइड होते थे और दोनों ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला ग्रुप मैंने बताया था कि कोई देख के आपको कहेगा स्टार्ट या स्टॉप की बात कहेगा, और दूसरा ग्रुप कोई भी डिस्कशन करेगा तो वो कहेगा एनओ या एनसी की बात करेगा, एनओ को ग्रीन और इसको रेड कहेगा। तो आज मैंने फिर आप लोगों के साथ डिसाइड कर दिया, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारा कौन सा बटन है, सारे बटन सारे काम हमें ग्रीन से करने थे, जितने भी हमारे प्रोसेस थे, जितने भी हमारे वर्क्स थे वो टोटल के टोटल ग्रीन से थे। आज हम लोग डिसाइड करते हैं बेटा कि हमारे सारे काम रेड से हैं। आज मैंने ये कह दिया कि आज जो मैंने हार्डवेयर में बटन या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी हमारे ओनर्स हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेड बटन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रीन उनके पास अवेलेबल नहीं है। जब ग्रीन अवेलेबल नहीं है तो सारा काम हमें रेड से करना है। इसको सोचने से पहले एक चीज और क्लियर कर लें, ये आपको दिखता है बफर और ये आपको दिखता है इन्वर्टर। बफर आपका ऑलवेज स्टार्ट का काम करता है और ये ऑलवेज आपका स्टॉप का काम करता है, दिखने के प्रोसेस में, दिखने के हिसाब से, ठीक है। और जैसा दिखता है वैसा ही काम किसके साथ करता है, वैसा ही काम आपका ग्रीन बटन के साथ करता है। रेड के साथ क्या होता है, रेड के साथ जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब ये जो सिंबल है ये आपका एज अ स्टार्ट काम करता है और ये सिंबल एज अ स्टॉप काम करता है। ठीक, अब आते हैं अपनी रॉ मटेरियल्स, ये जो भी सर्किटरीज हमने पहले बनाई है एज पर आवर कंडीशन, उस सर्किट पे हम चेक करते हैं कि रेड बटन से हमारे कैसे कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, रेड बटन से कैसे हम फंडामेंट्स करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहली सर्किट लेते हैं। पहली सर्किट जैसा कि हम लोगों ने उसमें भी देखा था, ग्रीन बटन से ही बनाया था, तो यही सर्किट पर मैंने डिस्कशन किया था। ये सर्किट हमारी है कि अगर हम दो बटन को एक साथ प्रेस करें तो आउटपुट शुड बी ऑन, आउटपुट ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ग्रीन से आप लोगों ने करके देख लिया था, आज हम लोग इसको रेड से करके देखेंगे कि अगर हमारे हार्डवेयर में रेड बटन होगा तो ये कैसे फुलफिल होगा, तो ये सर्किट हमारी कैसे लैडर पे फुलफिल कराई जाएगी। तो आइए बेटा देखते हैं, चेक करते हैं। तो पहले तो इन दोनों ग्रुप्स पे डिसाइड करो, सिंबल देख के दो ग्रुप्स आपके पास है, दो ग्रुप्स में से इसका आंसर तो आपको दे दिया ना आपके ओनर ने, आपके क्वेश्चन ने क्या दिया कि आज सारा काम आपको रेड से करना, मतलब एनसी से करना, तो इसका आंसर तो मिल गया ना। तो ये ब्लॉक काट दीजिए, ये ग्रुप को कट कर दो, ये ग्रुप हटा दो, अब बच गया ये ग्रुप। इस ग्रुप में आपको डिस्कशन करना होगा कि स्टार्ट है या स्टॉप है, मतलब ये सिंबल देखने के बाद आपको स्टार्ट और स्टॉप ही डिसाइड करना है। रेड बटन तो हमने पहले से इसमें बता दिया, पहले से ये चीज डिफाइन कर दी। तो बेटा सिंपल सी बात है, किसी भी ग्रुप का कोई एक आंसर अगर डिफाइन हो जाता है तो उस ग्रुप के डिस्कशन के बारे में हम सोचते ही नहीं है, उस ग्रुप का कोई चर्चा रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट ग्रुप में जो भी होगा उसका डिस्कशन करो, उसकी चर्चाएं रखो। अब यहां आओ, अब इन सिंबल को देखो और सिंबल को देख के डिसाइड करो ये सिंबल स्टार्ट दिख रहे हैं कि स्टॉप दिख रहे हैं। रेड और ग्रीन अभी छोड़ दो, ये सिंबल आपको स्टार्ट दिख रहे हैं कि स्टॉप दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये स्टार्ट दिख रहा है, एनओ का मतलब स्टार्ट। जब सिंबल स्टार्ट दिख रहे हैं तो स्टार्ट का काम कौन करता है, रेड बटन के साथ। रेड बटन के साथ आइए, तो रेड बटन के साथ स्टार्ट का काम कौन करता है, आपका इन्वर्टर। तो यहाँ क्या लगा दो, इन्वर्टर, यहाँ क्या लगा दो, इन्वर्टर, और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट। तो ये आपका इस लॉजिक, इस कंडीशन के लिए जो सर्किट हम लोगों ने बनाई थी, इस कंडीशन के लिए ये लैडर डायग्राम बन गया बाय यूजिंग अ रेड बटन, बाय यूजिंग अ रेड बटन। रेड बटन को हम हार्डवेयर में कनेक्ट करके ये लैडर डायग्राम बना के लेके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन मोड पे आओगे और थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन, सॉरी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस को देखते हैं। देखते हैं, एक सर्किट ये ले लेते हैं, जैसे एक ये ले लिया बी, मान लो गुड, बी ले लो, सी ए, फिर आ जाओ आप ए बी सी ये ले लो, देन उसके बाद आ जाओ ए बी सी ये ले लो, ठीक है, और फिर आप ले लो ए बी सी। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका इट इज अ सर्किट ऑफ, ये किसकी सर्किट है, इट इज सर्किट ऑफ वो लैडर का सम, वो लैडर का सम की सर्किट है ये हमारी, ठीक है। बड़े अगर ध्यान से आप देखोगे
फुल एडर के सम को देखो तो सम यही कहता है कि किन्हीं भी दो बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो आउटपुट सॉरी 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 ये आपका कैरी का है, ये आपका कैरी का है, कैरी को देखोगे तो कैरी का ये आपका जो टेबल है कैरेक्टर टेबल का ये रिजल्ट आपका आ रहा है। किन्हीं भी दो बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा, लेकिन अगर तीनों को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो आउटपुट फिर भी आएगा, क्योंकि नीचे वाली लाइन जो मैंने लगाई वैसे लगाइए, तीनों को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो भी आपका आउटपुट आएगा। तो ये जो हमारा कंडीशन बना है वो इसलिए बना है कि अगर हम दो बटन को साथ प्रेस करें तो आउटपुट आए, ठीक है, किसी एक को अलग अकेले प्रेस करें तो आउटपुट ना आए, ठीक है, गुड है। दो को प्रेस करोगे, इनको प्रेस करोगे तो आएगा, इनको प्रेस करोगे तो आएगा, इनको प्रेस करोगे तो आएगा, तीनों को प्रेस करोगे तो आएगा, किसी को अकेले प्रेस करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। अब आओ चेक करते हैं, क्योंकि इससे नहीं मतलब ये सर्किट तो हमारी बन के आ गई, ये तो हमारे पहले जितने भी पहले क्लासेस हमने लिए उसके क्लासेस के हिसाब से हमारे सर्किट बन गए, मतलब किसी ने हमें कंडीशन दिया, कंडीशन के हिसाब से हमने सर्किट बना लिया एमएनसी को यूज करके। लेकिन जो लॉजिक है वो ये चूज करना है कि किस तरह से हम लैडर पे इसको पुट करेंगे, लैडर पे किस तरह से लेके आएंगे, तो ये लैडर पे लेके आते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले चीज है अपना ट्रेबल तैयार कर लो, एनओ एनसी, एनओ एनसी का मतलब एनओ विल बी स्टैंड फॉर अ ग्रीन, एनसी विल बी स्टैंड फॉर अ रेड, गुड। आइए देखते हैं, और हमारा जो काम है पहले ही हमारे ओनर ने कह दिया सर ऐसा है हमारे प्लांट में रेड बटन अवेलेबल है, ग्रीन बटन अवेलेबल नहीं है, मतलब ये ग्रुप तो खत्म, इस ग्रुप का काम खत्म, ये ग्रुप आपका टोटली खत्म हो चुका है। अब जो आप सिंबल देखोगे, सिंबल देख के सिर्फ इस ग्रुप में डिसाइड करोगे कि वो सिंबल क्या वर्क कर रहा है, क्योंकि पूरा काम हमको किससे करना है, रेड बटन से करना है। आइए चेक करते हैं, सिंबल देखिए, सबसे पहला बेटा सिंबल देखो आप, सबसे पहला सिंबल आपका ये क्या है, स्टार्ट दिख रहा है कि स्टॉप दिख रहा है, स्टॉप दिख रहा है, एनसी है, स्टॉप दिख रहा है, और स्टॉप का काम रेड के साथ कौन करता है, उल्टा, उल्टा वर्क होता है। ये दिखता है स्टार्ट है लेकिन रेड में स्टॉप का काम करता है, और ये दिखता है स्टॉप है रेड में स्टार्ट का काम करता है। ये स्टॉप है तो यहाँ बफर लग जाएगा, ये स्टार्ट है तो रेड के साथ ये लग जाएगा, ये रेड के साथ ये लग जाएगा। नीचे आइए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, नीचे आइए ए में आइए, ये स्टार्ट दिख रहा है, और स्टार्ट का काम हमारा इन्वर्टर करता है, तो इन्वर्टर ले लीजिए, बी में ये हमारा इन्वर्टर ले लीजिए, ये हमारा बफर ले लीजिए, फिर आइए ये हमारा बफर हो गया, ठीक है, स्टॉप का काम ये करेगा, देन उसके बाद बी हमारा ये इन्वर्टर हो जाएगा, स्टार्ट का काम करेगा, सी भी हमारा स्टार्ट का काम करेगा, फिर नीचे आइए सारे स्टार्ट हैं, सारे आप इन्वर्टर लगा लीजिए। बस आपको एक चीज ये क्लियर रखना है बेटा, सबको ये दिमाग में अपने क्लियरिटी जोन बना लेनी है कि रेड के साथ ये स्टार्ट, रेड के साथ कौन सा स्टार्ट करता है, मतलब बफर रेड के साथ स्टार्ट है या इन्वर्टर स्टार्ट है, ये बस आपको क्लियर रखना है। देखो फिर से यही दोहराएंगे यार, बहुत सिंपल सा समझने का तरीका है, ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है स्टार्ट, ये कैसा दिखता है स्टॉप, सेम इसी तरीके से ये दिख रहा है ना, ये कैसा दिखेगा स्टार्ट, ये कैसा काम करेगा स्टार्ट, ये कैसा काम करेगा स्टॉप, क्लियर। बस रेड में उलट दो, रेड में ये स्टार्ट ये स्टॉप, गुड, आगे बढ़ो, यहाँ पे अपना आउटपुट लगा दो, तो ये आपका बनके रेडी हो गया, आपका इस कंडीशन के लिए ये सर्किट बनके रेडी हो गए, ठीक है। तो सारे लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्रेफर कर रहे हैं या इस क्लास को लेके चल रहे हैं, ठीक है, कोशिश अब आप करोगे, ग्रीन बटन से आपने रेडी कर लिया है आपने सारे जोन को, अब कोशिश आप करोगे कि रेड बटन से भी सारे सर्किट्स को बना के प्रिपेयर करके एक्साइट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को लेके हम लोग आएंगे और इसको सॉफ्टवेयर में पुट करके चेक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर का ही हम काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की ही डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर का ही पूरा फंडामेंटल डिजाइन हो रहा है, बट अब इसको पुट करके चेक करेंगे, सिमुलेट करके कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, थैंक यू।